स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लियर कॉन्सेप्ट क्लासेस। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, ठीक है ना। यह एसिड बेसिस और सॉल्ट का अगला कॉन्सेप्ट है, जिसमें हमने इससे पहले लोरी ब्रोनस्टेड थ्योरी और आरहेनियस थ्योरी के बारे में पढ़ाई किया था, है ना। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज थी। अगर आप वीडियो ने देखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट में ऐसे इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, आप जाके देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन कैसे, यानी हाइड्रोनियम आयन यानी H3O प्लस आयन कैसे बनता है। तो देखिए, हमने बताया आपको कि जब कभी भी हम लोग एसिड को पानी में डिजोल्व करते हैं तो H3O प्लस आयन बनता है, है ना। इसी को देख करके हम बताते हैं कि जो सब्सटेंस हमने पानी में मिलाया है वो एसिड है, ठीक है ना। तो कैसे बनता है जरा समझिए। जब एसिड को क्या किया जाता है, पानी में डिजोल्व किया जाता है, तो वो H प्लस आयन बनाता है। क्या बनाता है? वो H प्लस आयन बनाता है। अब ये जो H प्लस आयन होता है, ये क्या करता है, फर्दर वाटर से रिएक्शन करके ये जो H प्लस आयन होता है वो वाटर से कंबाइन हो करके, है ना, H3O प्लस आयन बना देता है। अब इसको हम लोग दो स्टेप में समझते हैं। देखिए क्या होता है कि जब एसिड को, एसिड मतलब जैसे मान लीजिए हमने HCl, अब HCl को हम क्या करेंगे, है ना, वाटर से रिएक्शन कराएंगे। तो वाटर की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उस प्रॉपर्टी की मदद से क्या करेगा, ये H प्लस HCl को दो भाग में ब्रेक कर देगा, H प्लस प्लस Cl माइनस में ये वाटर क्या कर देगा, तोड़ देगा। अब ये जो H प्लस हमारे पास मौजूद है, ये H प्लस आयन क्या करता है, H2O से रिएक्शन करता है। अब H2O में अगर आप देखें तो यहां पे वो ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या होते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ऐसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिन्होंने केमिकल बॉन्डिंग में भाग नहीं लिया है अभी तक, जिन्होंने केमिकल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हुआ है, जो भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो केमिकल बॉन्ड में अभी इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। आई बस ऑन। अभी क्या होता है कि ये जब H प्लस H2O से कंबाइन होता है तो ये अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करता है। क्या करता है? गेन करता है। और गेन करने पर क्या बना लेता है, H3O प्लस आयन बना लेता है, जिसे हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है। क्लियर होगी बात? तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको समझ में आ गया। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ऑक्सीजन के पास होता, आप ऑक्सीजन या इसका देखेंगे बॉन्डिंग, एक्चुअली क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, उससे एक एक हाइड्रोजन जो है दोनों तरफ कंबाइन होकर के इस तरीके का बॉन्ड वो लोग बना लेते हैं ऑक्सीजन के साथ। जब ये कंबाइन होता है तो H2O तो बन जाता है। अब इसमें ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने अभी किसी के साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाया है। अब यही जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ बच गए हैं, इन्हीं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनों को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह दिया जाता है। तो अगर इसका मैं एक डेफिनेशन लिखूं कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो जरा देखिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन which have not involved in the chemical bonding। यानी वे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिन्होंने अभी तक केमिकल बॉन्डिंग में भाग नहीं लिया है, उन्हीं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनों को हम लोग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये तो समझ में आ गया, और ये भी बात समझ में आ गई कि हाइड्रोनियम आयन बनता कैसे है। स्टेप नंबर 1 कि पहले वाटर से एसिड रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने के बाद H प्लस आयन बनाता है, Cl प्लस Cl माइनस और जो भी दूसरा नॉन मेटल होगा बनेगा और वाटर बचेगा। अब ये जो वाटर होगा वो इस H प्लस आयन से रिएक्शन करेगा,
रिएक्शन करके वो क्या बना लेता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से S3O प्लस आयन बन जाता है। ठीक है ना, यहां पे एक बात हम लोग नोट कर सकते हैं, यहां पे एक बात नोट कर सकते हैं कि द बॉन्ड, द बॉन्ड विथ विच H प्लस आयन एंड H2O आयन मॉलिक्यूल इज कंबाइंड इज नोन एज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है ना, बॉन्ड विथ विच द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन एच प्लस आयन एंड H2O मॉलिक्यूल इज नोन एज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नाम दिया गया है। बात आती है कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या है तो जरा समझिएगा, है ना। आप बोल सकते हो द बॉन्ड फॉर्म्ड, है ना, बिटवीन एन आयन एंड अ मॉलिक्यूल, है ना, ड्यू टू लॉस और ड्यू टू लूज और गेन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में, क्या बोल रहा हूं, ये बोल रहा हूं कि वो बॉन्ड जो बनता है आयंस और किसके किसके बीच में बनता है, किसके किसके बीच में बनता है, भैया मिल तो नहीं गया, यहां से बताना पड़ेगा मुझे। ठीक, बताता हूं एक बार, बस ये बैक हो गया है गलती से, देखिए द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन एच प्लस आयन एंड H2O मॉलिक्यूल इज नोन एज है ना कोवेलेंट बॉन्ड। आई बात समझ। अब ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है तो समझिए कि हम बोलते हैं इस तरह से, ठीक है, मैं यहां लिख दे रहा हूं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये क्या होता है भैया, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो वो बॉन्ड जो आयंस और मॉलिक्यूल के बीच में बनता है क्या करके, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का लेन देन करके। तो बॉन्ड फॉर्म बिटवीन बिटवीन एंड आयन एंड मॉलिक्यूल, है ना, बिटवीन एन आयन एंड मॉलिक्यूल बाय द गेन और लॉस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, ये क्लियर हो गई बात कि कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है और कौन सा बॉन्ड इसमें बनता है। अगर मैं आपके लिए स्टेप्स लिख दूं कि कौन कौन से स्टेप्स जो है फॉलो किया जाता है इसको बनाने में, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन में, उसमें देखिए पहला हमारे पास आ जाता है जो कि एसिड,
एसिड है ना, डिसोसिएट डिसोसिएट्स टू प्रोड्यूस एच प्लस आयन इन इट्स एक्वास सॉल्यूशन, एक्वास सॉल्यूशन। दूसरा दिस एच प्लस आयन, दिस एच प्लस आयन कंबाइंस विथ वाटर मॉलिक्यूल बाई एक्सेप्टिंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या करता है, उसके साथ कंबाइन हो जाता है। वही लिखा हमने, दिस एच प्लस आयन कंबाइंस विथ है ना वाटर मॉलिक्यूल बाय एक्सेप्टिंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। द कॉम्बिनेशन ऑफ है ना एच प्लस आयन विथ एच टू ओ मॉलिक्यूल गिव्स एस थ्री ओ प्लस आयन, दैट इज हाइड्रोनियम आयन, दैट इज हाइड्रोनियम आयन। आई बात समझ में, हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है, क्लियर हो गया ना। तो ये तरीका है, आप इसको लिख सकते हो जब भी आपके एग्जाम में आए कि किस तरीके से हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। देखो यही पूछा जाता है, किस तरीके का उसमें बॉन्ड बनता है, ये सब पूछा जाता है। ये सब चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ के याद करके लिखना पड़ेगा, है ना। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, क्लियर हो गई बात है। चलिए तो ये हो गया हाइड्रोनियम आयन। अब इसके बाद से जब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से एसिड को प्रिपेयर किया जाता है।